सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो योयो हनी सिंह पाजी ने 2022 में इतने सारे सरप्राइजेस दिए हैं कि फैंस को अब सच में समझ नहीं आ रहा है कि ये सच है या फिर कोई सपना। मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब हनी पाजी ने टॉडी ऐप के लॉन्च के दौरान करमपुरा के लिए एक सॉन्ग रिवील किया था, और कल ही हनी पाजी ने उस गाने की शूटिंग तो कम्प्लीट कर ही ली, लेकिन कल रात उन्होंने इस गाने का फर्स्ट पोस्टर भी ड्रॉप कर दिया जिसका नाम नोट फेको द करमपुरा सॉन्ग रखा गया है। मतलब हनी पाजी ने एक ही दिन में गाना शूट करके उसका पोस्टर भी ड्रॉप कर दिया है। इससे पहले ये चीज जिंगल बेल सॉन्ग हुई थी जब उन्होंने एक ही दिन में गाना शूट करके दूसरे दिन रिलीज कर दिया था। सो ये गाना भी आपको 2 जनवरी को सुनने को मिल जाएगा। मतलब नए साल की शुरुआत इस बार हनी पाजी के गाने से होने वाली है। खैर ये गाना ऑब्वियसली हनी पाजी के दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, इसीलिए वो ये गाना करमपुरा में ही शूट करना चाहते थे। लेकिन जैसे कि आप सबको पता ही है कि भीड़ भाड़ इलाके में गाना शूट करना कितना ज्यादा रिस्की है। मतलब कल ही हनी पाजी को देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और ये बात उन्होंने इस पोस्टर के कैप्शन में भी लिखी है, अ वेरी स्पेशल सॉन्ग ऑफ माई लाइफ प्रेजेंटिंग नोट फेको द करमपुरा सॉन्ग। इस गाने की जो बिहाइंड द सीन्स वीडियो सामने आई है उसमें आपने सुना होगा कि जो हनी पाजी का वर्स है वो काफी ज्यादा फाड़ू साउंड कर रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जाके उनमें देख सकते हो। बाकी ये गाना 2 जनवरी को हनी पाजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ड्रॉप हो जाएगा। सो आप सभी लोग इस गाने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और आप में से कितने लोग दिल्ली में रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।